जहाँ पर ज्ञान गोदरी गुरुद्वारा साहब होता था, लेकिन यहाँ पर आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तराखंड का एक ऑफिस बना हुआ है। जब इंदिरा गांधी ने जब संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जी के साथ उन दरबार साहब में अटैक किया, तब उन्होंने देश के कई गुरुद्वारों पर भी अटैक किया कि ये गुरुद्वारा साहब वापस दिया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिख समाज आज मानवता के लिए कार्य कर रहा है। चाहे वो ऑक्सीजन लंगर लगाने की बात हो, चाहे वो गरीबों का पेट भरने की बात हो, चाहे वो MRI सिटी स्कैन के बड़े बड़े सेंटर खोलने की बात हो, चाहे वो अस्पताल खोलने की बात हो, सिखों की जो एक भावना है वो तो आहत होती है, कहीं ना कहीं हमें भी दुख होता है। हे गुरु नानक देव जी, हमें आशीर्वाद दो ताकि हम सरकार को जगाने में कामयाब हो। माने हम तो यही कहेंगे, प्रभु की दरबार बने यहाँ पे। आम पब्लिक भी ये कहते हैं कि हरिद्वार में गुरु नानक लंगर जैसी है कि हर गरीबों का ख्याल रखता है, हर यात्री क्या गरीब क्या हर कोई यहाँ खाना भी खाता है, ऐसे गुरुद्वारा यहाँ होना चाहिए। नमस्कार, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, जय गंगा मैया, भारत माता की जय। दर्शकों, आज हम पहुँचे हैं श्री गंगा मैया के धाम पर, जो कि बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, और यहाँ पर सभी लोग बहुत दूर दूर से आकर गंगा मैया का स्नान करते हैं और पवित्र हो जाते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि हमारे गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे। जिस समय सूर्य ग्रहण का मेला लगा हुआ था, तब श्री गुरु नानक देव जी यहाँ आए और उन्होंने यहाँ आकर कुछ लोगों को ज्ञान देने की कोशिश की, जो हमारे समाज में लोग हैं उनको सिखाने की कोशिश की कि जो निरंकार है आप उनकी पूजा कीजिए। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ की कुछ ऐसी जगह जहाँ पर गुरु नानक देव जी स्वयं आए, और स्वयं आकर उन्होंने यहाँ के लोगों को, सनातन के लोगों को ज्ञान देने की कोशिश की। ये देखिए, आज ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ज्ञान गोदरी गुरुद्वारा साहब होता था, लेकिन यहाँ पर आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तराखंड का एक ऑफिस बना हुआ है, जो कि बहुत दुखद है हमारे लिए कि 1984 में जब इंदिरा गांधी ने जब संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जी के साथ उन दरबार साहब में अटैक किया, तब उन्होंने देश के कई गुरुद्वारों पर भी अटैक किया। बहुत निंदनीय है। और मैं कहना चाहती हूँ कि आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ गुरु नानक देव जी आए। गुरु नानक देव जी का एक किस्सा भी आपसे मैं साझा करना चाहूँगी। वो किस्सा क्या है कि जिस समय गुरु नानक देव जी सूर्य ग्रहण के मेले में यहाँ आए, तब उन्होंने एक बात लोगों को कही कि आप निरंकार को मानिए, आप उस प्रभु को मानिए जिस प्रभु ने हमें श्वास दी है, जिस प्रभु ने हमें ये प्रकृति दी है। तब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी, गुरु नानक देव जी एक बार पश्चिम की तरफ खड़े होकर जल दे रहे थे, तब यहाँ के कुछ लोग थे, उन लोगों ने आकर उस पर ऐतराज़ किया। उन्होंने कहा कि आप गुरु नानक देव जी उल्टी दिशा में खड़े होकर क्यों जल दे रहे हैं। तब कहीं ना कहीं जाकर जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी खेती को जल दे रहा हूँ, तो सभी लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप इस हमारा अपमान कर रहे हैं, हम उधर पूरब की तरफ खड़े होकर सूर्य को जल दे रहे हैं और आप पश्चिम में खड़े होकर उल्टा जल दे रहे हैं। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं अपनी खेती को जल दे रहा हूँ। उन्होंने बोला, आपकी खेती तो हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रही। तब उन्होंने बोला कि मेरी खेती यहाँ से 600 मील के आसपास है, करतारपुर में। तो कुछ जो लोग थे उन्होंने गुरु नानक देव जी की हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि 600 मील के आसपास की आप बात करते हो, जो 600 मील की जो खेती है आप अगर उस पर जाकर वहाँ पर जल दे रहे हो तो ये तो मूर्खता है। तब जाके गुरु नानक देव जी ने कहा, मेरे भाई मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर मैं 600 मील की जो दूरी है उस पर अगर जल नहीं दे सकता, तो आप जो सूर्य भगवान की आप जो पूजा कर रहे हैं वहाँ तक ये जल कैसे पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर निरंकार एक है, आप ईश्वर को मानिए। सूर्य, अग्नि, जल, ये सब जो है ना व्यक्ति के लिए बनाए गए हैं, मनुष्य के लिए बनाए गए हैं, उनकी सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं। अर्थात जो भगवान ने आज जन्म दिया है, आप उस निरंकार को मानिए। उस निरंकार के अलावा आप किसी को भी जो है वो एक प्रकृति का नियम मानिए। तब जाकर उन्होंने जब यहाँ लोगों को ज्ञान दिया, तब ये एक गुरुद्वारा साहब जो था यहाँ पर बनाया गया था,
मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आज जो 1984 में जिस टाइम ये सारा डिस्ट्रॉय किया गया, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का जो बोर्ड लगा दिया गया, ये बहुत निंदनीय है। और मेरी भारत सरकार से ये मांग है कि ये गुरुद्वारा साहब वापस दिया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिख समाज आज मानवता के लिए कार्य कर रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन लंगर लगाने की बात हो, चाहे वो गरीबों का पेट भरने की बात हो, चाहे वो MRI सिटी स्कैन के बड़े बड़े सेंटर खोलने की बात हो, चाहे वो अस्पताल खोलने की बात हो। आज मैं भारत सरकार से हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि अब हमारे जो गुरुद्वारा साहब है ज्ञान गोदड़ी, वो इसी जगह पर बने और इसी जगह पर उनको सम्मान दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिखों की जो एक भावना है वो तो आहत होती है, कहीं ना कहीं हमें भी दुख होता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी कलयुग में आए, हमारे श्री राम जी के वंशज हैं और सनातन धर्म को एक जो नया रूप दिया वो गुरु नानक देव जी ने दिया। मैं दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जिस समय ये 1984 में डिस्ट्रॉय किया गया, तो ये पूरी जो मार्केट है उस टाइम बना दी गई, और इस जो मार्केट में जो सारी यहाँ पर होटल है और साथ में एक रेस्टोरेंट्स ओपन किए गए हैं, ये सब गुरुद्वारा साहब की ज़मीन थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि गुरुद्वारा साहब की जो ज़मीन है वो दोबारा और यहाँ पर जो है एक प्यारा सा भव्य सा सुंदर एक इमारत की जो है एक यहाँ पर पहल की जाए। और भारत सरकार को मैं कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस सरकार ने, जो इंदिरा गांधी ने 1984 में जो गलती की है, उस गलती को सुधारने का मौका सरकार के पास है। और मैं देखती रहती हूँ, अगर उत्कृष्ट कार्य करने हैं तो धार्मिक कार्य भी कीजिए। मेरे सिख समाज को ये गुरुद्वारा साहब जो है वो वापस मिलने चाहिए, और वापस मिलने के साथ साथ मेरे गुरुद्वारा साहब जो है ना बहुत भव्य इमारत बननी चाहिए, ताकि यहाँ मानवता के लिए लोगों को लंगर मिल सके, रहने की जगह मिल सके, और लोगों की जो धार्मिक भावना आहत ना हो। हरिद्वार के पवित्र स्थान गंगा मैया के दर्शन करने के बाद आज हम जहाँ आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ पर गुरु नानक देव जी का एक स्थान, जहाँ पर लगातार लोगों के लिए लंगर सेवा जो है वो चलती रहती है, और लंगर सेवा के साथ साथ यहाँ पर सभी लोग जो है वो मत्था टेक कर आशीर्वाद लेते हैं। ये जगह मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि जिस समय 1984 में इसको डिस्ट्रॉय किया गया और यहाँ पर बहुत लोगों के साथ जो बुरा हुआ, उसके बाद भी आज गुरु नानक देव जी के जगह पर आप ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि गुरु नानक देव जी का एक स्थान, बहुत पवित्र स्थान जो कि आज यहाँ पर है। मैं चाहती हूँ कि ये देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी, हनुमान जी और बालकनाथ जी, और जहाँ तक कि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ सभी सनातन के जितने भी भगवान हैं उनकी फोटो लगी हुई है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गुरुद्वारा साहब है यहाँ पर लगातार जो है वो सेवाएं की जा रही हैं, और सेवाओं के रूप में लंगर भी पकता हम अभी आपको दिखाएंगे कि कंटिन्यूटी में लंगर भी जो है वो यहाँ पर बन रहा है। उससे पहले हम यहाँ इस पवित्र स्थान पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लेंगे कि जो ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा साहब है उसको वापस यही स्थापित करने के लिए हम लोग आवाज़ उठाएं, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे। अगर मुसलमान अपनी मस्जिद मांग सकता है, अगर सनातनी अपना राम मंदिर मांग सकता है, तो मेरे सिख समाज का भी जो है अधिकार बनता है कि घर की पौड़ी पर गुरु नानक देव जी के स्थान पर ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा साहब जो है वो स्थापित हो। उससे पहले हम गुरुद्वारा साहब में मत्था जरूर टेकेंगे और आशीर्वाद लेंगे कि हे गुरु नानक देव जी, हमें आशीर्वाद दो ताकि हम सरकार को जगाने में कामयाब हों। इसी कड़ी में माथा टेकने के बाद ये वो पवित्र स्थान है जहाँ से आज भी लोगों की सेवाएं जो है वो कंटिन्यूटी में हो रही है। हम अब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लंगर सेवा कैसे चल रही है, और इस पवित्र स्थान पर आकर आप लोग भी जो है मत्था टेकिए। गंगा मैया के दर्शन के साथ साथ यहाँ के भी दर्शन बहुत जरूरी है, और देखिए किस तरह से ये पवित्र स्थान का लंगर जो है वो पक रहा है। अभी जो है वो हलवे का प्रसाद जो है वो यहाँ बन रहा है, सेवादार कंटिन्यूटी में जो है वो लंगर बना रहे हैं, और सेवा जो है वो कंटिन्यूटी में यहाँ देखने को मिल रही है। और यही भाव है, क्योंकि हमेशा जैसा देखा गया है गुरु नानक देव जी ने जो मानवता का सिद्धांत दिया है, मानवता के सिद्धांत में हमेशा जाति और धर्म से ऊपर उठकर ही कार्य किया जाता है, चाहे वो गरीबों को लंगर खिलाने की बात हो, चाहे वो गरीबों के लिए
रहने की व्यवस्था करने की बात हो। आप सभी देख चुके हैं इसका एक उदाहरण, अभी कोरोना महामारी के दौरान भी आप लोगों ने देखा। अभी अगर हम बात करना चाहेंगे यहाँ के जो सेवादार हैं वो उनसे भी बात करेंगे हम, कि यहाँ पर जो 1984 में जिस समय क्या हुआ उस दौरान यहाँ के गुरुद्वारा साहब में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्षति की गई। उसके बाद आज हम इनके सेवादार से बात करना चाहेंगे कि जो लगातार यहाँ पर 40 सालों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं उनका क्या कहना है, किस तरीके से यहाँ दुखद घटना हुई और आज अगर गुरुद्वारा साहब है वो अपना यहाँ पर स्थान जो है वो दोबारा स्थापित होना चाहिए। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप काफ़ी दिन से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं गुरुद्वारा साहब की, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बोला उसे ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे के बारे में? जी जी जी, किस तरीके से वो यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ और किस तरीके से जो है वो दोबारा स्थापित होना चाहिए, क्योंकि गुरु नानक देव जी यहाँ आए तो जो टूट गया सो टूट गया, जो जो उस समय उनको कहना चाहिए ना कि भाई वो जगह का हमें दो, वो जगह छोटी हो या बड़ी बाबा नानक जी का जो जगह पे बाबा जी आए थे वो जगह उनको दे देनी चाहिए। आप यहाँ लगातार सेवा कर रहे हैं तो गरीबों को यहाँ लंगर खिलाया जाता है कंटिन्यूटी में, अगर कहीं ना कहीं गुरुद्वारा साहब यहाँ बने तो और भी लोगों की सेवा की जा सकती है। लोगों की सेवा क्या, साफ सफाई बहुत कुछ होंगे यहाँ पे, यहाँ साफ सफाई इतना बहुत कुछ ध्यान रखा जाएगा, बहुत कुछ होंगे, लेकिन ये सब करे तब तो। जी तो आप भी क्या भगवान जी से यही प्रार्थना करेंगे कि गुरुद्वारा साहब यहाँ स्थापित बने? बने, हम तो यही कहेंगे प्रभु की दरबार बने यहाँ पे। आम पब्लिक भी यही कहते हैं कि हरिद्वार में गुरु नानक लंगर जैसी है कि हर गरीबों का ख्याल रखता है, हर यात्री क्या गरीब क्या हर कोई यहाँ खाना भी खाता है, ऐसे गुरुद्वार में यहाँ होना चाहिए, साफ सफाई रहेगा, पूजा पाठ होता रहेगा। जो पहली सरकार ने किया उस गलती को सुधारने का एक मौका इस सरकार के पास है और वो मौका जरूर है, जरूर इस सरकार को देना चाहिए और यहाँ पे गुरुद्वारा साहब दोबारा स्थापित होने चाहिए। जी इसी वर्ड्स के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ के जो सेवादार हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुरु नानक देव जी का लंगर यहाँ लगे और गुरु नानक देव जी के नाम से यहाँ जगह स्थापित हो, क्योंकि देखिए यहाँ के लोग भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ सिख समाज जाता है वहाँ कहीं ना कहीं जो है सफाई का भी ध्यान रखा जाता है और लंगर का भी ध्यान रखा जाता है, वो चाहे आप मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी की खाने की बात हो, चाहे वो किसी भी समाज के जो है रहने की बात हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु नानक देव जी का जो लंगर है वो लंगर यहाँ पर स्थापित होना चाहिए, यहाँ पर गुरुद्वारा साहब जो है वो दोबारा बनना चाहिए, क्योंकि पहली सरकार ने जो गलतियाँ की है आज उस सरकार को गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए। केंद्र सरकार से मैं मांग करती हूँ कि हमारे यहाँ जो गुरुद्वारा साहब है ज्ञान गोदड़ी हर की पौड़ी पर होना चाहिए और अभी हम लोग उत्तराखंड के जो CM हैं उनको भी ज्ञापन देंगे कि हमारी बात जो है, मैं सनातन धर्म से एडवोकेट अनुराधा भार्गव इस चीज़ की मांग करती हूँ और मेरे सनातनियों को आगे आना चाहिए और मुझे पता है कि मेरे सनातन धर्म के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गुरु नानक देव जी को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे ही वंशज हैं, हमारे श्री राम जी के वंशज हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म के लोगों को आगे आना चाहिए ताकि आप मेरी आवाज़ बने, आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि गुरुद्वारा साहब जो है ज्ञान गोदड़ी दोबारा हर की पौड़ी पर हम बनाने के लिए जो है वो तैयार रहें और हम उसके लिए जो है आवाज़ उठाएँ। इसी बात के लिए दोबारा से जब हम उत्तराखंड के CM को मिलेंगे ज़रूर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय गंगा मैया, भारत माता की जय।